नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल शिक्षा ज्ञान में। दोस्तों, राजस्थान की अब कोई भी भर्ती है वो समय पे पूरी नहीं होगी, हर भर्ती जाएगी कोर्ट में। आपको सुनने से थोड़ा अजीब सा लगेगा और बेरोजगारों के साथ ये सबसे बड़ा धोखा हुआ है। ये खबर देखने के बाद आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, लेकिन ये आपको खबर जानना भी ज़रूरी है। दोस्तों, इस खबर में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि राजस्थान की जो भर्ती आने वाली है वो पूरी समय पे पूरी क्यों नहीं होगी और हर भर्ती कोर्ट में क्यों जाएगी। इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण रीज़न है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में चलने से पहले कृपया एक बार रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर प्रकार की राजस्थान से जुड़ी जानकारी समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो मामला जुड़ा वो गुर्जर आरक्षण से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, जयपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के कबल ने करके जो खबर है वो निकल के आ रही है कि जयपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने भी दायर की केवीएट है। गुर्जर आरक्षण विधेयक को हाईकोर्ट में चुनौती केस में केवीएट है, यानी कि सरकार ने भी इसमें केवीएट है वो लगा दिए और AAG सत्येंद्र राघव ने सरकार की ओर से केवीएट की दायर, केवीएट से पूरा विज्ञापन जारी कर मांगी आपत्तियां भी। और ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का दूसरा आप ट्वीट यहाँ पे देख सकते हो, गुर्जर आरक्षण मामले में सरकार करेगी मजबूती से पैरवी, हाईकोर्ट में केवीएट दायर है। गुर्जर आरक्षण मामले में सरकार करेगी मजबूती से पैरवी। राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण को चुनौती देने के मामले में सरकार ने भी महत्वपूर्ण कदम उठा लिया। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बात बताऊँ कि ये भर्तियों से जुड़ा क्यों मामला। सबसे पहले आप हमारे प्रावधान उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ कि 50% जो प्रतिशत है उससे अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन अब आप देख सकते हो कि जो गुर्जर आरक्षण है वो किसी के दबाव में दिया गया था, यानी कि इन्होंने जो रेलवे ट्रैक वो जाम किए थे, इसके कारण सरकार ने दबाव के कारण है वो ये आरक्षण दिया गया था। लेकिन इतना आरक्षण अब मान्य नहीं है, क्योंकि जब इतना आरक्षण मान्य हो जाएगा तो जो ये गुर्जर आरक्षण के जो बच्चे है या अन्य 5 जातियों के है उनका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। तो इसको लेकर क्या करेंगे, जो समझ लो जनरल OBC वाले हैं वो जाएंगे कोर्ट के अंदर, तो हर भर्ती में कोर्ट के अंदर जाएंगे क्योंकि उनके बच्चे सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड होंगे, तो ये भर्ती कोर्ट में तो वैसे चली जाएगी और ये भर्ती समय पर पूरी इस कारण नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब गुर्जरों का आरक्षण नहीं मिलेगा तो गुर्जर वैसे नाराज़ होंगे और जिनको आरक्षण मिल जाएगा तो वैसे नाराज़ होंगे और जिनको नहीं मिलेगा वो वैसे उस हिसाब से है वो नाराज होगे। तो इस कारण ये भर्ती है वो कोर्ट में टिकेगी। आगे भी आप खबर देखिए, वीडियो को यहाँ भी इसकी मत कीजिए। गुर्जर आरक्षण मामले में सरकार करेगी मजबूती से पैरवी, हाईकोर्ट में है वो केवीएट दायर कर दी है। जयपुर से खबर करके आ रही है कि राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण को चुनौती देने के मामले में अब राज्य सरकार ने भी केवीएट दायर कर दी है। राज्य सरकार की ओर से AG सत्येंद्र राघव ने केवीएट दायर करते हुए सुनवाई से पूर्व है राज्य सरकार को पक्ष रखने की अनुमति मांगी। गौरतलब है कि गुरुवार को ही राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण को जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। राज्य के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके डॉक्टर अभिनव शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर हाल ही में विधानसभा द्वारा पारित की गई विधेयक को रद्द करने की गुहार लगाई है, यानी कि जो आरक्षण दिया गया है उसको रद्द करने की गुहार है वो लगा दी गई है। डॉक्टर अभिनव शर्मा ने ये जनहित याचिका वो लगाई है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सीधी बात बता देता हूँ कि राजस्थान की भर्ती है वो पूरी इस वजह से नहीं हो सकती, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब राजस्थान में आने वाली हर भर्ती है वो अटकेगी कोर्ट के अंदर। ये आप खुद सोच के देखिए, फालतू के कमेंट आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिए, खुद सबसे पहले ये सोच के देखिए कि ये भर्ती क्यों नहीं होने वाली है। क्योंकि जब आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, गुर्जरों को इतना आरक्षण मिल जाएगा तो उनका सिलेक्शन तो चलो हो जाएगा, समझ लो उनका सिलेक्शन 50 भी हो रहा है और आप जब 80 लाओगे तब सिलेक्शन होगा, तब आपके मन में कैसा लगेगा, ये बात सोच के देखिए। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।